जबरी तब्दीली है मजहब ना मंजूर ना मंजूर, जबरी तब्दीली है मजहब ना मंजूर ना मंजूर, जबरी तब्दीली है मजहब ना मंजूर ना मंजूर। मस्कान को मस्कान को मस्कान को मस्कान को मस्कान को अगवाकार अल्ताफ को गिरफ्तार करो, 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 अगवाकार अल्ताफ को जबरी तब्दीली मजहब 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 भाव उन्होंने उसके साथ जबरन जो है उसका स्टाम्प पेपरों के ऊपर साइन करवाया और कहा तुमने सलाम कबूल करे और तुम्हारी शादी हो गई है और शादी जिससे करवाई वो 40 साल का लंगड़ा बंदा है अल्ताफ नामी। तो आप ये मुझे बताएं ये जबरी तब्दीली मजहब नहीं है तो क्या है? और कोर्ट के अंदर जब बच्ची को पेश किया गया तो बच्ची से माँ को बात करने नहीं दी गई, कोर्ट में पेश कर दिया और लड़की को डराया धमकाया कि जो बात भी है आपने कहना है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया मैंने निकाह कर लिया। जब बच्ची से बात माँ ने करने की कोशिश की तो बच्ची रो रही थी कांप रही थी वो बोल रही थी अम्मी मुझे गन पॉइंट के ऊपर ये सारा कुछ करवाया है मुझे धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे बाप को मार दिया जाएगा। तो मैं अल्लाह हुकाम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को रोके ये इंसानियत के कातिल है मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान की बेटियों को फरोख्त करते हैं ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए। ये याद रखे कि पाकिस्तान के बाहर वो ये नहीं देखते ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम वो पाकिस्तानी और देखते हैं तो इससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अल्ताफ को अगवा करते हैं उसके बाद इनको यहाँ से ले जाते हैं थाईलैंड मलेशिया में इसे जिस्म फरोशी कराते हैं। हुकूमत को भी पता है अदारों को भी पता है लेकिन चूंकि बच्चियाँ मसीही हैं बच्चियाँ अकलियतें हैं इसलिए सब जो है खामोश हो जाते हैं। और अब देखें बेफॉर्म अदालत में पेश किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नादरा का पेश किया गया उस पे बच्ची की वाज़े उम्र जाहिर हो रही है उसके बावजूद भी जज साहब ने बच्ची को दारुल अमान भेज दिया। अगर अदारों को अगर अदालत को अपने डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं है तो नादरा को बंद कर दे। जब भी आदमी ने कोई उम्र का तायुन करना है वो अदालत में जाए और मेडिकल करवाए और उम्र का तायुन करे फिर ये बेफॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट FRC की क्या जरूरत है? जब ये सारी चीजें मौजूद हैं तो फिर मेडिकल करवाने की क्या जरूरत है? बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया दारुल अमान भेज दिया बच्ची से माँ बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा इससे बड़ा जुल्म क्या है? और कहा जाता है कि पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं शर्म आनी चाहिए उन बेगैरतों को जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं। मैं समझता हूँ वो एजेंट है पाकिस्तान के वो जालिम है वो गद्दार है मसीही कौम के जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं। ये देखे रोते हुए बच्चे माए बहने बच्ची को जबरदस्ती कर रहे हैं हमको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया उसको हम लोग एहतजाज करेंगे बच्ची से मिलने दे हमको क्यों आगे आगे हो रहे हैं लोग सारे हमें मिलने भी नहीं दे रहे हमें बच्ची से मिलने भी नहीं दे रहे उससे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया उन्होंने आगे भी मिलने दे रहे हमको हमें बच्ची से मिलने भी नहीं दिया जा रहा उसके आगे हाथ रख रहे हैं लोग मोबाइल नहीं छीनेंगे बड़ा दीरा आप नहीं छीनेंगे हमसे हमें विकास करेंगे हमको उससे मिलने दे हमें उससे मिलने दे हमें बच्ची से मिलने दे उसे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया गया है एक क्रिस्टल बच्ची को जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है उसका उसके सारी बात ऊपर तक लेके जाएंगे अब आगे तक जाएंगे आगे तक जाएंगे हम लोग नहीं चुप आगे बच्ची को अगवा करके उसे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है हम इंतजार करेंगे हम इंतजार रिपोर्ट करवाएंगे हमारी बच्ची हमें दो मैडम मैडम चलो भाई नहीं जा रहे हम भाई हम अपना इंतजार रिकॉर्ड करा रहे हैं छोड़ दीजिए।
मसीहों पे जुल्म बंद करो, 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 मसीहों पे जुल्म मसीहों पे जुल्म जबरी तब्दीली मजहब 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 मानते हैं ना आप अपने बानी पाकिस्तान की बात मानते हैं ना आप अपने रसूल की बात मानते हैं कि कहा गया अकलियतों को के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो आप किस किस्म के लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं कि आप किसी की भी बात नहीं मानते? ये जुल्म को अब रुक जाना चाहिए, इस जुल्म के जो है रुकना चाहिए ताकि बच्चियां जो है बाजियाब हो, बच्चियां आजादी के साथ रहें। और आप सबसे अपील करता हूं कि इन दुखी खानदानों के साथ खड़े हो जाएं और जज को भी खुदा कल और दनाई दे कि इंसाफ का फैसला करें। शुक्रिया।